Good morning, student. Myself Pradhuman, your mathematics teacher for class 8, 9, and 10 in Modern International School, Hiswa. Today, just I am going to solve rest problem from exercise 7D, book R.S. Agrawal for class 8. In previous classes, just I have solved up to question number 28. So, I proceed after 28, that means your question number 29. Question number 29 is 3x squared plus 10x plus 8. As per rule, you have to multiply this term. First of all, if your question is not in this form, so you have to create you have to write in this form. Just like in question number this 36. And 37 है ना, इसमें आपको इस फॉर्म में नहीं है तो आपको इस फॉर्म में ढालना होगा। चलिए इस समय आया था। सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 एंड 8 इज 24। सो यू आर स्प्लिट 24 एज 4 इंटू 6, 6 इंटू 4 एंड ऑल्सो 8 इंटू 3 एंड 3 इंटू 8। इन विच केस वेन यू एड एड बोथ गिव द रिजल्ट एज 10, किसमें आएगा, इसमें आएगा और इसमें आएगा, यानी कि दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि तो दोनों ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव का केस है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 8 एंड यू टेक कॉमन इन दिस x as common 3x plus 4. In this case you take only plus 2 common 3x plus 4. That's over. Your result is 3x plus 4 is common in both. So 3x plus 4 is common and x plus 2. So this is the factorization of your question number 29. In the same process here you apply, है ना, यहाँ पर भी क्या होगा आपका माइनस 10 आना है, तो यहाँ पे माइनस हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 31 को ले लो, माइनस है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन माइनस 4 इंटू माइनस 6 भी आपका प्लस 24 ही होगा। माइनस 4 इंटू माइनस 6 जब करोगे तो आपका क्या होगा 24 ही आएगा, है ना। मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस 24, बताओ कौन सा बेहतर होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तब क्या मिलेगा प्लस 10, बट इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 10, तो कौन सा सुटेबल होगा आपके लिए, ये वाला। तो माइनस 10x के जगह अब आप क्या लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस सॉरी 6x प्लस 8। अब इसी के जैसा है, अब आप इसे प्रोसीड करेंगे, है ना। इस तरह से आप एक नया रूल यहाँ पे सीखा आपने कि जब माइनस में तो हो सकता दोनों में माइनस भी दे सकते हैं, है ना। ठीक है, पहले ही आपने आपको बताया जा चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 32 पे आ जाओ। इन दिस केस जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ, यू गेट माइनस 90। क्या आपको मिलेगा इसमें जी, माइनस 90 एज ए प्रोडक्ट। कौन सा क्वेश्चन नंबर 32 में। अब बताओ माइनस 90 का फैक्टर आपको क्या होगा, एक तो 9 इंटू माइनस 10 होगा, दूसरा होगा माइनस 9 इंटू 10, ये भी होगा। तो माइनस 90 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस 45 इंटू 2 तो माइनस 90। बताओ यहाँ पे आपको 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए प्लस 1। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं लेकिन 9 और 10 का ही फैक्टर जो है आपका 1 की 1 या माइनस 1 देगा। वो तो माइनस 1 और प्लस 1 कैसे आएगा, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 1 मिलेगा, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस 1। तो कौन सा सुटेबल होगा आपका, प्लस 10x माइनस x। यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखोगे, प्लस 10x माइनस 9x, सॉरी माइनस x नहीं माइनस 9x। तो 10 माइनस 9 तब में प्लस 1 होगा, यहाँ पे 10x माइनस 9x कर लो हो जाएगा सॉल्यूशन। 33 में भी उसी के जैसा है, 10 6 60 माइनस 60 आएगा 33 में, माइनस 60 को आप कैसे तोड़ोगे, 15 इंटू 4 तो होता ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस 60 है तो 2 होगा क्योंकि इसी का सब्ट्रैक्शन जो होगा आपका 11 आएगा ना। देखो
15 माइनस 4 करोगे तो 11 आएगा, हमें एडिशन वाला रूल अप्लाई करना है, बताओ कितना हो गया, माइनस 60 होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं होगा, यहाँ पे करोगे तब होगा, एक और होगा 15 इंटू माइनस 4 तब भी आपका माइनस 60 आएगा, बताओ दोनों को ऐड करो, इसको ऐड करोगे तब क्या मिलेगा, माइनस 11 मिलेगा, माइनस 15 प्लस 4 माइनस 11, और इसको ऐड करोगे तो प्लस 11 मिलेगा, आपको यहाँ पर क्या है, प्लस 11 है ना, कौन सा अप्लाई होगा, ये वाला अप्लाई होगा, ये आपका नहीं होगा, है ना, माइनस 11 तो नहीं चाहिए, हो गया काम खत्म, आप इसे सॉल्व कर लोगे, उसी तरह से 34 में आ जाओ, इन दोनों को किया तो क्या आ जाएगा जी, 60 माइनस 60 फिर आ गया, है ना, माइनस 60 ही आ गया, तो माइनस 60 आपको 17 चाहिए, तो 23 जा होता है, 34 में देखो माइनस 60 का 20 और 3, ये तो आपका 17 आएगा सब्ट्रैक्शन पे, बिल्कुल, तो हमें क्या करना, माइनस 17 चाहिए, तो चलो यहाँ पे माइनस 60 है तो माइनस 20 इंटू 3 आपका आएगा, और 20 इंटू माइनस 3, बताओ इसको ऐड करोगे तो माइनस 17 मिलेगा, इसको ऐड करोगे तो प्लस 17 मिलेगा, है ना, इसको ऐड किया तो प्लस 17, बताओ कौन सा सुटेबल है आपके लिए, माइनस 20 प्लस 3 या 20 माइनस 3, तो आपको माइनस 70 चाहिए, दैट मीन्स यू नीड दिस फैक्टराइजेशन, दैट मीन्स हियर यू राइट माइनस 20x प्लस 3x, यहाँ पे दिख रहा है प्लस 3 है, तो अब आपका इजी वे में हो जाएगा, आप आराम से कर सकते हो, है ना, चलो सेम वे में आप इसको भी कर लोगे, 7 6 जा 42 और 21 2 जा 42, 21 इंटू 2 21 माइनस 2 भी आपका 19 होता है, तो उसी तरह से आप इस पे अप्लाई करोगे 35 पे, 36 पे आपको इसको पहले आपको फैक्टर को अरेंज करना पड़ेगा, किसमें अरेंज करना पड़ेगा, फॉर्म में पहले अरेंज करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग पावर में आपको क्वेश्चन को ले जाना है, चलिए 35 को देखो, तो क्वेश्चन नंबर 35 इज सॉरी 36 इज 28 माइनस 31x, 28 माइनस 31x माइनस 5x स्क्वायर, दिस इज 28 माइनस 31x माइनस 5x स्क्वायर, सो यू हैव टू राइट फर्स्ट माइनस 5x स्क्वायर एंड सेकेंड माइनस 31x देन प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 28, ये दोनों आपका सेम है, अब बताओ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 28 इंटू 5, 28 इंटू 5 140 आएगा, कितना आएगा जी 140, बिल्कुल सही है, यस बिल्कुल सही है, इसका जब फैक्टराइजेशन करोगे तब क्या क्या मिल सकता है आपका, कितना कितना आएगा ये 140 है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको 31 चाहिए, यू नीड 31, चलो यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं, यहाँ पे 28 इंटू 5 था, 28 इंटू 5 था, इसको 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और ये 5, दैट मीन्स 35 इंटू 4, 35 इंटू 4, 35, 7, 5 जा 35, 2, 2 जा 4, तो 35 इंटू 4 करोगे, तो दो रूल है, माइनस 140 चाहिए तो माइनस 35 इंटू 4, और दूसरा क्या होगा, प्लस 35 इंटू माइनस 4, बताओ आपको चाहिए क्या है, माइनस 31 चाहिए, तो किस में मिलेगा, इस दोनों को ऐड करोगे तब माइनस 31 मिलेगा, इस दोनों को ऐड करोगे तो आपका प्लस 31 मिलेगा, कौन आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए तो यही जरूरत का है, तो ये आप इस्तेमाल करोगे, तब कैसे लिखोगे इसको, माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 35x और प्लस 4x प्लस 28, यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लीजिए आप, तो माइनस 5 और x ही तो है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, x माइनस 7 सॉरी प्लस 7, क्योंकि माइनस 5 इसमें भी है, तो दोनों से माइनस बाहर हो गया, तो प्लस ही वाला दोनों बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ प्लस 4 कॉमन होगा, तो x प्लस 7 हो गया फैक्टराइजेशन, आप सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई करोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 24 बन जा 24, दैट मीन्स 24 माइनस 123 होता है, तो 24 इंटू 1 पे आप चलोगे, 24 इंटू 1 में आपके इसमें से आपको माइनस 23 चाहिए है, आप खुद से करोगे इसको, ये बिल्कुल इसी के जैसा है, ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है, 6 6 जा 36 दैट इज माइनस 36 है ना, 6 6 जा 36 तो माइनस 36 आ गया, अब बताओ 36 का आप फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, कितने तरीके से होगा, तो अब आप उसमें से 12 3 जा होता है और एक होता है 9 4 जा भी होता है, तो 9 4 जा 9 इंटू 4 आपको माइनस 5 चाहिए, माइनस 36 यानी कि माइनस 9x प्लस 4x लिखोगे, इसको आप कैसे करोगे,
ये आपका 36 थ्री 108 आएगा, 108 आ गया। और आपको 24 चाहिए है, आपको 24 चाहिए। चलिए इसे भी फैक्टराइज किया जाए 39 को। थ्री एम स्क्वायर प्लस 24 एम प्लस 36, यहाँ पे आपका 108 आ गया। दोनों को मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6 3 8 बिल्कुल सही है। और इसको ये कैसे कैसे फैक्टर टूटेगा, 3 × 36 तो पहले था, 3 × 4 × 3 × 3 बिल्कुल आया, 3 3 9 एंड 4 3 12, 9 and 12 नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, अब आपका 27 − 4 नहीं, 27 − 4 भी नहीं आएगा। अब आपका और देखो यहाँ पे इसको और तोड़ दिया जाए, 2 × 2 कर दो, कितना 3 3 9 9 9 2 18 18 and 6 बिल्कुल 18 and 6, आप 18 × 6 कर लो हो जाएगा 24। आसानी से आप इसे सॉल्यूशन करोगे। चलिए 39 कंप्लीट, 40 आपका एकदम बिल्कुल आसान, इसी के जैसा 41 देख लो, ये भी बिल्कुल आसान है। 6 3 18 दैट इज माइनस 18 का फैक्टर कितना होगा आपका, माइनस 18 इंटू 1 और 18 × −1 दोनों को ऐड करोगे तब आपका माइनस 17 मिल जाएगा, लेकिन इसको ऐड करो प्लस 17 मिलेगा। ये आपका जरूरत का नहीं है, ये जरूरत का है, इसका तोड़ लोगे। ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है, बिल्कुल उसी के जैसा, ये ऐसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे था, ये सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है 42 नंबर, ये बाई स्क्वायर था बिल्कुल, आप इसे सोल्व कर लेंगे। तो ये चैप्टर आपका एक्सरसाइज 7D कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 7E आपका ऑब्जेक्टिव है, इसे आप खुद से प्रयास करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, और तब अगर जो कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है तो आप पूछेंगे, है ना। अब अगले दिन से हम एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।